Hello friends, welcome back to my channel and today I'm going to take you to one of my favorite restaurants in Vasai. So if you're planning for a special occasion for your loved ones, for birthdays, anniversaries, Valentine's Day or just a casual dinner or lunch on a weekend to rejuvenate yourself, this restaurant is a perfect location for you. हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं सी एम सैन रेस्टोरेंट जो कि वसई में है, पाचू बंदर में, और ये सी फूड के लिए बहुत ही फेमस है। वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, तो चलिए मेरे साथ। फार्म हाउस सी एम सैन रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 7 किलोमीटर्स फ्रॉम वसई स्टेशन। You can reach there by taking a bus, auto, or by your own vehicle. I had been here for lunch with my family, and after a few days, we also went to see the sunset view in the evening at around 6:30. So I'll be showing both the views in this video. There are two levels at the restaurant. One is a non-AC section, there is an AC section, and there is a glass rooftop section which is facing the seaside, and the ambience is just superb. There is also live music which starts at 8 o'clock in the evening only on weekends. आपको यहाँ पे फ्रेश फिश दिखाई जाएगी और आपको अपने चॉइस के हिसाब से जो भी फिश पसंद है वो आपको इन्हें ऑर्डर करनी है, और उसमें से वो आपको फ्राई और करी दोनों बना के देंगे। हमने यहाँ पे सुरमई फिश चूज़ की थी और हमने कुछ स्टार्टर भी ऑर्डर किए। तो जब तक खाना आता है आप व्यू का मज़ा ले लीजिए। सेकेंड लेवल इज़ द रूफ टॉप विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट, as it has a lovely vibe, perfect for a weekend. Starter में मैंने यहाँ पे prawns तवा fry, bombil fry, french fries order किया, और veg dry manchurian, और इन सबसे जो best मुझे लगा taste wise वो था prawns तवा fry. सुरमई काफ़ी फ्रेश होने की वजह से जो फिश फ्राई था वो काफ़ी टेस्टी लग रहा था, एंड इट वॉज फुल्ली लोडेड विद फ्राइड गार्लिक ऑन द टॉप। फिश करी भी काफ़ी यमी था और इसका क्वांटिटी बहुत अच्छा था। आपको यहाँ पे फिश करी के लिए ऑप्शन मिलता है कौन से स्टाइल का करी आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल गाउठी और मालवनी, और काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो आप चूज़ कर सकते हैं। डेजर्ट में हमने चॉकलेट ब्राउनी सिज़लर ऑर्डर किया था विच इज़ माय ऑल टाइम फेवरेट। ओवरऑल लंच बहुत अच्छा था और सर्विस भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इवनिंग व्यू विच इज़ वेरी फेमस फॉर सनसेट एट अराउंड 6:30 PM इन द इवनिंग। आई वुड सजेस्ट कि आप अगर यहाँ पे वीकेंड्स में आ रहे हैं, इवनिंग में या डिनर में, तो आप रिजर्वेशन करके आइए, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत रश हो जाती है रात में। View in the evening is just picture worthy, and the lights lit on the wooden ambience just makes it perfect for a weekend.
वी ऑर्डर्ड अ फार्मर स्पेशल मॉकटेल एंड हरा भरा कबाब स्टफ्ड विद चीज एंड वी लाइक बोथ द डिशेज। यहाँ पे रोज़ स्टाफ हर्डल होता है जहाँ पे कि उन्हें कस्टमर केयर सर्विस कैसे देनी है इसके बारे में गाइडेंस दी जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जो भी अपना गेस्ट आता है तो उनको अपना अच्छा से अच्छा सर्विस देना चाहिए, अपना तरफ से अपने जितना होता है उतना उनको उनको खुश करके भेजना चाहिए। अच्छा खाना, अच्छा सर्विस वो अपना देना अपने वो काम नहीं। जो कोई भी गेस्ट को सो आई वुड से वीकेंड्स के लिए ये सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है बिकॉज इट ऑफर्स वेरी फ्रेश एंड टेस्टी सी फूड एंड ऑल्सो वेज फूड एंड द व्यू इज जस्ट ऑसम। सो आई होप यू विल विजिट द रेस्टोरेंट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।